शिवसेना उपनेता विजय नाहटा ने आज शिवरात्रि महापर्व पर बेलापुर विधानसभा क्षेत्र के कई मंदिरों में हाजिरी लगाई और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हुए दर्शन का लाभ लिया। उन्होंने बेलापुर गौशाला में भी भेंट दी। उनके साथ शिवसेना के कई पदाधिकारी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। देखे चल किया महाशिवरात्रि पर्व पर शिवसेना उपनेता विजय नाहटा ने नई मुंबई के नेरुल और बेलापुर में स्थित कई शिवालयों में हाजिरी लगाई और जलाभिषेक के साथ पूजा अर्चना करते हुए भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ जिला प्रमुख दिलीप घोड़ेकर, शहर प्रमुख विजय माने, कमलेश वर्मा, प्रदीप वाघमारे और तैयब पटेल समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। शिवसेना नेता विजय नाहटा ने यहां दर्शन की शुरुआत नेरुल के भीमाशंकर सोसाइटी के शिव मंदिर से की, जहां बीजेपी नगर सेवक रविंद्र इथापे ने उनका सत्कार किया। वहीं करावे गांव शिव मंदिर में शिवसेना पदाधिकारी मिलिंद बोहिर द्वारा शॉल पहनाकर उनका स्वागत किया गया। बेलापुर गांव में नीलकंठ मात्रे के साथ उन्होंने भगवान भोलेनाथ के दर्शन का लाभ लिया। वहीं सेक्टर 8 के महादेव मंदिर में अजित गणात्रा और प्रहलाद महाशेठ के साथ उपनेता विजय नाहटा का स्वागत सत्कार किया गया। यहां पूर्व नगर सेवक रोहिदास पाटिल और सरोज पाटिल के साथ बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय समाज के लोग मौजूद थे। यहाँ दर्शन के बाद शिवसेना उपनेता विजय नाहटा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। आज महाशिवरात्र है, अपन पाहिले या नव्या मुंबई शहरामध्ये शेकडो ठिकाणी ज्या ठिकाणी मंदिरं आहेत त्या ठिकाणी हजारोच्या संख्येने भाविक दर्शनासाठी आलेले आहेत आणि अतिशय उत्साहाच्या वातावरणामध्ये महाशिवरात्र या शहरामध्ये साजरी केली जात आहे। या बेलापूर गावामध्ये देखील दर्शनासाठी आपण पाहिलं प्रचंड गर्दी आहे आणि आलेले जे भाविक आहेत या भाविकांना प्रसाद देण्यासाठी या भागातले आमचे जे कार्यकर्ते आहेत, विशाल असेल, निळकंठ असेल, सर्व मंडळी आमचे शाखा प्रमुख असतील, या सगळ्यांनी सर्वांच्या महाप्रसादाची अतिशय उत्कृष्ट अशी व्यवस्था केली, त्याच्याबद्दल मी मनापासून त्यांना धन्यवाद देतो। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।